ज्योति सचार जी, हिंदू धर्म में व्रत का क्या महत्व है और चित्र नवरात्र में व्रत किस विधि से रखना चाहिए 9 दिनों तक? जय बाबा विद्यनाथ, हर हर महादेव। हिंदू धर्म में व्रत का बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि व्रत का मतलब होता है किसी चीज को नियम से रहना ही व्रत है, नेम व्रत। तो व्रत का मतलब है कि हम नियम से रहें, किसी देवता की आराधना करेंगे तो देवम भूत्वा देवम यजेत का सूत्र लागू होता है। देवता लोग भोजन नहीं करते, देवता लोग घ्राण के द्वारा, श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ व्रत, व्रत का मतलब है उपवास। उपवास है, उप का मतलब होता है नज़दीक, वास का मतलब रहना। तो देवताओं के नज़दीक रह करके अपना नियम और व्रत मेरा पूरा कैसे हो। अब है व्रत, किसी की कोई मनोन्नति होती है, कोई मन्नत करता है कि भाई हमारा ये काम हो जाए तो मैं इतना व्रत करूँगा। सबसे पहली बात है कि जिस प्रकार से एकादशी व्रत मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है, व्रत में इतना ताकत है कि मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। ये बार बार जन्म मरण का जो है कष्ट, इससे मुक्ति पा सकता है। तो व्रत में इतना पावर है, लोग अपनी शुद्धता के लिए या अपने घर के कल्याण के लिए व्रत रखता है। इसलिए व्रत का महत्व जो है वह दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से बचाता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों से बचने के लिए व्रत किया जाता है, नियम कर किया जाता है, संयम किया जाता है। तो नवरात्र जो है वह 9 दिन तक संयम का पर्व है। संयम के साथ रहना, व्रत करना, उपवास करना, ऐसे तो कहता है निराहार रहिए, लेकिन मनुष्य का कलो अन्न गता प्राण, इस हिसाब से जब तक मनुष्य के शरीर में कुछ अन्न नहीं जाएगा तो यह शरीर नहीं बचेगा। इसलिए इस रक्षा के लिए थोड़ा सा फल, दूध इत्यादि पी करके नवरात्र का व्रत करें, संयम करें, नियम से रहें, तो आपका कल्याण माता के कृपा से निश्चित होगा।